हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इससे पहले मैं कंप्लीट अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, थ्रेटेन अबॉर्शन और एक वीडियो इनके साथ आपके मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है? व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेप्शन आर नॉट एक्सपेल्ड आउट, यानी पूरा जो प्रोडक्ट था कॉन्सेप्शन का वो नहीं आया बाहर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ पार्ट ऑफ इट इज लेफ्ट इन साइड द यूटराइन कैविटी, कुछ पार्ट बाहर आ गया है और कुछ पार्ट उस यूट्रस के अंदर ही रह गया है, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। यहाँ पे क्या होगा? हिस्ट्री ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ पेन इन द लोअर एबडोमेन, क्लिनिकल फीचर, वेजाइनल ब्लीडिंग वेरिंग मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक है। इंटरनल एग्जामिनेशन आप करिए, इस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? यूट्रस जो होगा स्मॉलर होगा देन द पीरियड ऑफ एमिन्यूरिया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन थोड़ा बाहर आ गया है, तो जितना एमिन्यूरिया वाला पीरियड होगा उससे यूट्रस थोड़ा हमारा स्मॉलर होगा। सर्वाइकल ऑस जो होगी पैचुलस होगी, ये खास बात है, इसके अंदर आपने याद रखना है। सर्वाइकल ऑस जो होती है इसके अंदर हमारी पैचुलस होती है, ऑफन एडमिट अ टिप ऑफ फिंगर वेरिंग आर्म ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, वेरिंग अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। जो उसमें सर्वाइकल ऑस होगी वो पैचुलस होगी और जो ऑस होगी उसके अंदर एडमिट करेगी टिप ऑफ फिंगर जा सकती है, ठीक है। ब्लीडिंग जो होगी वेरिंग अमाउंट में होगी। एक्सपेल्ड अमाउंट इज फाउंड इनकम्प्लीट, अब आपने एक्सपेल्ड जो मास था उसको एग्जामिन किया तो वो आपको इनकम्प्लीट मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेज कैसे करना है, टर्मिनेट कैसे करना है इस तरह की प्रेगनेंसी को। द प्रोडक्ट लेफ्ट बिहाइंड मे लीड टू द, अगर आपने जो प्रोडक्ट पीछे रह गया यूट्रस के अंदर अगर उसको आप बाहर नहीं निकालेंगे तो उसकी वजह से प्रोफ्यू बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहेगी, सेप्सिस हो सकती है, प्लासेंटल पॉलिप्स बन सकते हैं, ठीक है। अब मैनेज कैसे करना है, अगर अभी फिलहाल में ही किसी को इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, तो रिसेंट केसेस के अंदर शी शुड बी रिससिटेटेड बिफोर एनी एक्टिव ट्रीटमेंट। अगर अर्ली अबॉर्शन हुआ है तो डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करेंगे और लेट अबॉर्शन हुआ है तो यूट्रस को इवैक्यूएट करना होगा अंडर द जनरल एनेस्थीजिया। और अगर इन केस लेट अबॉर्शन हुआ है, लेट केसेस है, तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज किया जाएगा टू रिमूव द बिट ऑफ द टिश्यू लेफ्ट बिहाइंड। तो ये बात हुई हमारे इनकम्प्लीट अबॉर्शन की। इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर जब इंटायर प्रोडक्ट जो होता है बाहर नहीं आ पाता, थोड़ा उसका अमाउंट जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर ही रह जाता है, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इसके अंदर ब्लीडिंग जो होती है वजाइनल ब्लीडिंग वेरिंग मैग्नीट्यूड की होती है। यूट्राइन सर्वाइकल ओस जो होती है पैचुलस होती है, उसके अंदर एक फिंगर जो है जा सकती है, ये इसकी खास पहचान होगी, ठीक है। एक्सपेल्डेड माउस जब आपको एग्जामिन करके देखेंगे वो इनकम्प्लीट होगा और यूट्रस का साइज भी स्मॉलर होगा। अब ये जो प्रोडक्ट अंदर रह गया ये क्या क्या कॉज कर सकता है? बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, सेप्सिस हो सकती है, प्लासेंटल पॉलिप बन सकते हैं, ठीक है। और मैनेज कैसे करना है अगर रिसेंट केस है, और अर्ली अबॉर्शन है तो कैसे करना है, अगर लेट अबॉर्शन है तो कैसे करना है, और लेट केसेस हैं तो कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मिस्ड अबॉर्शन, जिसे हम साइलेंट मिसकैरेज भी बोलते हैं। व्हेन द फीटस इज डेड एंड रिटेन इनसाइड द यूट्रस फॉर अ वायबल पीरियड, ये बोल रहे हैं। अब जब फीटस हमारा डेड होता है और रहता है यूट्रस के अंदर फॉर अ वायबल पीरियड के लिए, तो उसको बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। अब इसके अंदर क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि मिस्ड अबॉर्शन है हमारा? वेजाइनल डिस्चार्ज ब्राउनिश कलर का होगा, प्रेगनेंसी वाले जो सिम्टम होते हैं वो सबसाइड हो जाएंगे, ठीक है। रेट्रोग्रेशन होगा ब्रेस्ट चेंजेस का, और यूट्राइन ग्रोथ जो बढ़ती है प्रेगनेंसी के दौरान, अब जब डेथ हो गई है फीटस की तो वो यूट्राइन ग्रोथ भी सीज कर जाएगी। नॉन ऑडिबिलिटी ऑफ द फीटल हार्ट साउंड, खास बात ये होगी फीटल हार्ट साउंड जो है वो ऑडिबल नहीं होगा। सर्विक्स जो होगी फॉर्म होगी, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो होंगे नेगेटिव आएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी में एम्प्टी सेक आएगी, ये इंपॉर्टेंट साइन है। सबसे पहले फिटल हार्ट साइन गायब हो जाएगा, ठीक है, सर्वाइकल फॉर्म होगी, सर्विक्स फॉर्म फील होगी, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो सेक जो है एम्प्टी आएगी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, इसकी वजह से कोई भी ब्लड कॉगुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है। मैनेज कैसे करना है, अगर यूट्रस का साइज आपका लेस देन 12 वीक है तो आपने क्या करना है, जैसे कि इनेविटेबल में करना था डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, यूट्रस का साइज अगर 12 हफ्ते से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, 10 to 20 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन इन 500 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन, कितने पे देंगे, 10-30 ड्रॉप पर मिनट। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग देंगे 200 μg टैबलेट इज इंसर्टेड इन टू द पोस्टियर वजाइनल फॉर्निक्स एवरी 4 hours फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 such, ठीक है। इंटरमस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे 15-methyl PGF2-alpha 3 orally फॉर 10 such। तो ये बात की हमने मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में आपने खास बात ये याद रखनी है,
मिस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है, साइलेंट मिसकैरेज भी बोलते हैं, जब फीटस डेड होता है और यूट्राइन कैविटी के अंदर रहता है फॉर वायबल पीरियड के लिए, तो उसे बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। इसमें जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो हमारा कैसा होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। प्रेगनेंसी के जो जनरल सिम्टम होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब सबसाइड हो जाते हैं। ब्रेस्ट चेंजेस जो होते हैं रेट्रोग्रेस कर जाते हैं, यूट्रस की ग्रोथ सीज कर जाती है, फीटल हर्ट साउंड एबसेंट होते हैं, सर्विक्स फॉर्म फील होती है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे, नेगेटिव आएगा, यूट्राइन सेक एम्प्टी आएगी, सेक जो होती है हमारी एम्प्टी आती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर मैनेजमेंट बताया उन्होंने कि अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से लेस है तो क्या करना है, 12 वीक से ज़्यादा है तो क्या करना है। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया इनकम्प्लीट और मिस्ड अबॉर्शन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।